नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। रेत माफिया इस कदर हावी है कि ना तो उसे न्यायालय के आदेश से फर्क पड़ता है, ना मंत्री की फटकार से कोई फर्क पड़ता है, ना ही शासन प्रशासन के नियमों से। वो धड़ल्ले से रेत का परिवहन करने में लगा हुआ है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा अवैध रूप से गौण खनिज का खनन परिवहन में लगे वाहनों के चालकों मालिकों पर चोरी की FIR दर्ज कराने के आदेश दिए जाने के बावजूद और CGM कौशलेन सिंह भदौरिया द्वारा पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए पत्र लिखने के बाद भी लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है। हालांकि जिले में कार्रवाई करने के लिए जिलाधीश द्वारा 4 टीमें टास्क फोर्स की गठित की गई। टीम द्वारा कार्रवाई न करने से CGM कौशलेन सिंह भदौरिया खुद सड़क पर उतरे और अवैध रूप से परिवहन में लगे वाहनों को पकड़ा। इसके बाद जिले की टीम सक्रिय हुई, लेकिन एक दिन की कार्रवाई के बाद फिर से लापता हो गई। शासन के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने विगत दिवस विकास समिति की समीक्षा बैठक के दौरान खनिज विभाग को जमकर लताड़ लगाई थी। उन्होंने रेत चोरी परिवहन रोकने सहित फर्जी रॉयल्टी कट्टों से हो रही वसूली को तत्काल रोकने कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद विभाग उदासीन बना हुआ है। गठित टास्क फोर्स भी नजर नहीं आ रही। जिले के म्याना थाना क्षेत्र में सिंध नदी के लहरा घाट से रेत माफिया रोजाना सैकड़ों ट्रॉली रेत निकालकर मुंह मांगे दामों पर बेच रहे हैं, जिन पर पुलिस प्रशासन विभाग के अफसर लगाम नहीं लगा पाए। तमाम दिशा निर्देशों और आदेशों के बावजूद इस तरह खुलेआम रेत का परिवहन और चोरी की जा रही है।